रेखा ने सुपरस्टार कमल हासन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक फिल्म फेयर के बाला चंदर की फिल्म पुन्ना गाई मन्नान के एक सीन के लिए सुपरस्टार ने उनकी सहमति के बगैर किस किया था। एक अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत में ये रेखा ने कहा, मैं सैकड़ों बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि सीन मुझे पहले से जानकारी दिए बगैर शूट किया गया था। लोग मुझसे बार बार एक ही सवाल करते हैं और मैं जवाब देकर तंग आ चुकी हूँ। रेखा ने आगे कहा, जो हुआ सो हुआ, कई साल बीत चुके हैं लेकिन सवाल बार बार सामने आ जाता है। कमल सर अब 65 साल के हो गए हैं, इस बारे में बात करने का अब कोई मतलब ही नहीं है। रेखा की माने तो वे उस वक्त महज 16 साल की थी और उन्होंने 10वीं की परीक्षा ही पास की थी। रेखा और कमल पर फिल्माया गया वे सीन दर्शकों के बीच काफी हिट हुआ और इससे रेखा के करियर को फायदा हुआ। तमिल एक्ट्रेस रेखा ने सीन के बारे में बताते हुए कहा, स्क्रीन पर ये किस बुरा या अग्रेसिव नहीं दिखाता, उस वक्त उसकी जरूरत थी लेकिन मैं बहुत छोटी थी और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। डायरेक्टर के बालाचंदन ने कहा, कमल अपनी आंखें बंद करो, याद है मैंने क्या कहा? कमल बोले, हाँ मैंने कर ली है, सीन में हमें कूदना था। डायरेक्टर के 1, 2, 3 बोलते ही हमने किस किया और कूद गए। जब मैंने थिएटर में इसे देखा तब इसका इम्पैक्ट समझ में आया। रेखा ने ये भी बताया कि जब उन्होंने किस सीन को लेकर असहमति जताई तो उनसे झूठ बोला गया था। वे कहती हैं, जब मैंने फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर सुरेश कृष्णा और वसंत से कहा कि किसके बारे में मुझे बताया नहीं गया था और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने कहा, ऐसा सोचो कि एक बड़े राजा ने एक छोटी बच्ची को किस किया है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि ये किस सेंसर के पास नहीं होगा। तब मैंने सवाल किया था कि सेंसर होता क्या है, मेरी बातों को कोई यकीन नहीं करता था। रेखा के मुताबिक जब वे कहती हैं कि किस उनकी सहमति के बगैर किया गया था और कमल हासन के इसके बारे में सब जानते थे तो कोई यकीन नहीं करता, किसी ने कभी माफी नहीं मांगी। रेखा के मुताबिक किस सीन के लिए ना तो बालाचंदर और ना ही कमल हासन ने कभी उनसे माफी मांगी। वे कहती है, वे माफी क्यों मांगते, फिल्म सुपर हिट हो गई थी, इसके बाद मुझे कई फिल्में मिली, उन दिनों में हम सब एक शेड्यूल के दूसरे शेड्यूल में व्यस्त थे। रेखा के मुताबिक अगर उन्हें किसके बारे में जानकारी होती तो वे इसके लिए कभी तैयार नहीं होती। उन्होंने बालाचंदर और कमल हासन से कभी माफी की मांग नहीं की लेकिन वो आगे के लिए सतर्क हो गई थी। स्पेशल डेस्क BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।